अगस्त से अभी बिफोर वी एक्चुअली व्हेन वी स्पोक टू द चिल्ड्रन हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, पर्यावरण की बात कर रहे थे, और आपके फिल्म के जो हमने प्रोमो में भी देखा है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटना जो एक बहुत बड़ी समस्या है, इट एग्जिस्ट्स, किस तरह ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मूवी के थ्रू आया है। और हमने ये भी देखा है कि जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है, कई बार दे वेरी विलिंग, वो आगे आते सामने आते और ये अपने ऊपर लेते हैं, तो इसके बारे में बताइए हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि जो यूथ है वो ये अपने ऊपर ले। ये हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एनवायरनमेंट का देखभाल करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब तक हम एनवायरनमेंट में बदलाव नहीं देखते तब तक हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि यू नो सब ठीक जा रहा है सो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। लेकिन आई थिंक वी शुड ऑल बी रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक कि रिस्पॉन्सिबल क्योंकि दिस इज द वन प्लैनेट वी हैव। सैडली बात ऐसे जब सब चीजें हम शेयर करते हैं देन वी डोंट ट्रीट इट सो गुड, सो आई थिंक वो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आपने फिल्म के बारे में बात की थी, तो फिल्म में इट्स सेट इन द 60s, तो मैं आई डोंट वांट टू गिव टू मच अवे, लेकिन आप देखेंगे हाउ वी फाइट टू सेव व्हाट्स आवर्स एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू डू हियर टुडे एज़ वेल।